गाइज वेलकम बैक टू कास्ट क्लोसेट। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड कॉन्टीनेंटल GT 650 के बारे में। ये आप इसका क्रोम एडिशन देख रहे हैं गाइज। ये रॉयल इनफील्ड की सबसे महंगी बाइक आप मेरे सामने देख रहे हैं, जिसका प्राइस 3,31,000 एक शोरूम रखा गया है। क्विकली अगर हम इसके फ्रंट लुक्स के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इंडिकेटर्स की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक में मडगार्ड देखने के लिए मिलता है। रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये कुछ आप इसके टायर्स देख सकते हैं गाइस। अगर हम इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 100x90x18 के टायर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि स्पोक व्हील्स इसमें दिए गए हैं, जो कि आपको ऑफ रोडिंग में काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आपको ट्यूबलेस टायर्स के साथ में इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS भी देखने के लिए मिलता है। ये कुछ आप इसका 650 cc का इंजन देख सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 47 bhp एंड 52 nm का टोक आपको निकाल के देता है। ये काफ़ी रिफाइनमेंट के साथ में इसमें इंजन दिया गया है। इसमें आपको इंजन कूल्ड करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको ट्विन टिप एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके रियर में आपको हेलोजन टेल लैंप्स दिए गए हैं एंड इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन में ही प्रोवाइड किए गए हैं। प्लास्टिक में आपको इसका मडगार्ड देखने के लिए मिलता है एंड एक रिफ्लेक्टर्स को यहां पे स्मार्टली प्लेस किया गया है। अगर हम इसके रियर टायर के बारे में बात करते हैं तो 130x70R18, यानी कि आपको इसमें 18 inch का ट्यूबलेस टायर रियर में भी देखने के लिए मिलता है। एंड ऑल्सो आपको इसके रियर में डिस्क ब्रेक भी देखने के लिए मिलता है, जो कि ड्यूअल चैनल ABS के साथ में इसमें आता है। ये कुछ आप इसके फुट स्टेप देख सकते हैं गाइस, जिन पे भी रॉयल इनफील्ड का बेस यहाँ पे दिया गया है। कॉन्टीनेंटल GT का बेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे ट्विन की बेजिंग भी दी गई है, जो कि एक काफ़ी रेट्रो लुक आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसके टैंक के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे एक रनिंग ब्लैक स्ट्रिप देखने के लिए मिलती है, जिसके साइड में गोल्डन ट्रीटमेंट दिया गया है। ये कुछ आप इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच देख सकते हैं। ये कुछ आप इसके मिरर्स देख सकते हैं गाइस, जो कि काफ़ी रेट्रो डिज़ाइन में इसमें दिए गए हैं। ये कुछ आप इसका मीटर कंसोल देख सकते हैं, जिसमें आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिप ए ट्रिप बी। ये कुछ आप इसके स्विचेस देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इसमें दिए गए हैं। ये कुछ आप इसका क्रोम में फ्यूल टैंक देख सकते हैं गाइस, जो कि 13 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी के साथ में इसमें आता है, जिसमें यहाँ पे गोल्डन कलर में रॉयल इनफील्ड एम्बोस किया गया है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। ये कुछ आप इसकी सीट देख सकते हैं गाइस, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल एंड कुशनी इसमें दी गई है, जिसमें यहाँ पे वाइट स्टिचिंग दी गई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही है। ये लॉन्ग जर्नी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट प्रोवाइड करती है। अगर गाइस हम इसके डायमेंशन के बारे में बात करते हैं तो 1165 mm विड्थ, 2122 mm लेंथ, 789 mm हाइट, 1400 mm आपको इसमें व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। ये कुछ आप इसका 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं। दिस इज ओल्ड एंड अबाउट रॉयल इनफील्ड कॉन्टीनेंटल GT 650। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।